हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं थैनोस और डार्क साइड के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को, जो कि है सोल फायर डार्क साइड और थैनोस विथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें थैनोस के ओरिजिन की, तो थैनोस का जन्म हुआ था सैटर्न के मून टाइटन पर, और थैनोस बिलोंग करता है एक पुरानी प्रजाति को जिन्हें एटर्नल्स कहते हैं, और जिन्हें क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने। लेकिन जैसे ह्यूमंस के बीच म्यूटेंट्स होते हैं, वैसे ही इटर्नल के बीच डेवियंट्स होते हैं, और थैनोस के अंदर भी डेवियंट्स के ही जीन थे, इसलिए थैनोस सैटर्न के बाकी बच्चों से दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग था। पर फिर भी थैनोस के घर वालों ने उसके साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया। पर जब थैनोस बड़ा हुआ, तब उसका ध्यान खींचा विनाश और मौत ने, और इसलिए एक दिन थैनोस की मुलाकात हुई मौत की जीती जागती अवतार मिस्ट्रेस डेथ से, और मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के चक्कर में थैनोस ने डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपनाया। तो अब हमने थैनोस का ओरिजिन जान लिया है, तो अब जानते हैं कि क्या है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक ऐसा कॉस्मिक क्यूब है जो कि पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की ताकत रखता है, और हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को क्रिएट किया था मार्वल यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड द वन अबोव ऑल ने। और द वन अबोव ऑल ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि यूनिवर्स में एक ऐसा टाइम था जिस समय यूनिवर्स में ईवलनेस बढ़ रही थी, और ईवलनेस और गुडनेस के बीच हमेशा एक बैलेंस बना रहे। इस वजह से द वन अबोव ऑल एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करते हैं जिससे यूनिवर्स का बैलेंस बना रहे। पर इसके काफ़ी समय बाद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स मिलता है एक एलियन रेस को जिन्हें सेलेस्टियल्स ऑर्डर कहा जाता है, और ये सेलेस्टियल्स कुछ टाइम बाद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को मिस्र के पहले फिरौन आखिनाटन को दे देते हैं, जिसके बाद आखिनाटन कई सालों तक हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का यूज़ करता है। पर एक इवेंट के दौरान थैनोस को पता चलता है कि यूनिवर्स में हार्ट ऑफ द यूनिवर्स नाम की एक चीज़ है जिससे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट किया जा सकता है, और बाद में थैनोस इन्फिनिटी गाउटलेट पहन के पास्ट में चला जाता है और किसी तरह से आखिनाटन को ओवरपावर कर देता है, और फाइनली हार्ट ऑफ द यूनिवर्स उसके हाथ लग जाता है। और इस इवेंट के बाद थैनोस को कहा जाता है थैनोस विथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो अब अगर बात करें डार्क साइड के ओरिजिन की, तो डार्क साइड पहले से ही ना तो इतना ज़्यादा पावरफुल था, और ना तो उसका असली नाम डार्क साइड था, बल्कि उसका असली नाम यूक्सस था, जो कि अपने भाई के साथ रहता था और फार्मिंग यानी खेती करता था। पर उनके वर्ल्ड में हमेशा गॉड्स एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से यूक्सस का प्लैनेट बर्बाद हो रहा था। पर यूक्सस के भाई को गॉड पर विश्वास था, और इसलिए यूक्सस का भाई गॉड से प्रे करता है कि गॉड्स उसे और उसके परिवार को बचा ले। पर यूक्सस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, और यूक्सस सीधे वहाँ जाता है जहाँ पर सारे ओल्ड गॉड्स सो रहे होते हैं, और यूक्सस अपने इंटेलिजेंस से ओल्ड गॉड्स में फूट डाल देता है और उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। और लड़ाई के बाद जब सारे ओल्ड गॉड जख्मी हो जाते हैं, तब यूक्सस उन गॉड के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है डार्क साइड। तो अब हमने डार्क साइड का ओरिजिन जान लिया है, तो अब हम जानते हैं कि क्या है सोल फायर डार्क साइड। तो डेथ ऑफ न्यू गॉड्स कॉमिक्स में बताया गया है कि बहुत टाइम पहले सोर्स नाम का एक बींग था जो कि न्यू गॉड्स को मार देता था और उनकी सोल्स को कैद कर देता था, और एक एक करके सोर्स ने कई न्यू गॉड्स को भी मार दिया था, क्योंकि हर एक न्यू गॉड की सोल से उसकी पावर 5 गुना ज़्यादा बढ़ने वाली थी। पर इससे पहले कि सोर्स ऐसा कर पाता, डार्क साइड उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ सोर्स ने सारी सोल्स को रखा है, और वहाँ पहुँचने के बाद डार्क साइड उन सारी सोल्स को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, और तब डार्क साइड को कहा जाता है सोल फायर डार्क साइड पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें थैनोस विथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के पावर्स की, तो थैनोस के पावर्स तो हम सभी जानते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं पावर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने होस्ट को देती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, टेलीकनेसिस, टेलीपैथिक पावर्स, माइंड कंट्रोल पावर्स, पावर सेंस, इनविजिबिलिटी, डायमेंशन मैनिपुलेशन, मैटर एब्जॉर्प्शन, रीजनरेशन पावर, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, लिमिटलेस स्टेमिना और टच टू डेथ जैसे पावर्स। थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से मैटर, मॉलिक्यूल्स, मैजिक, विल पावर और लाइफ तक को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की
की मदद से टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। साथ ही थैनोस पे मैजिक का भी कोई असर नहीं होता और वो हर तरह के मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से किसी के भी एस्ट्रल फॉर्म्स को ट्रैप कर सकता है, अपने लिमिटलेस एस्ट्रल फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है और एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकता है। साथ ही थैनोस अपने अपोनेंट के फियर्स को भी देख सकता है और अपने अपोनेंट के ड्रीम्स तक को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा थैनोस इल्यूजन क्रिएशन करके अपने अपोनेंट को इल्यूजन में भी ट्रैप कर सकता है और इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने होस्ट को एक एनर्जी आर्मर भी देती है जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही थैनोस किसी के भी बॉडी डेंसिटी तक को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है और किसी को भी रियलिटी से इरेज भी कर सकता है। साथ ही थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से गैलेक्सीज और मल्टीवर्स तक को क्रिएट और इरेज भी कर सकता है। साथ ही कॉमिक्स में एक बार थैनोस ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से लिविंग ट्राइब्यूनल तक को एब्जॉर्ब कर लिया था, पर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि थैनोस लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा नहीं पाया था, इसलिए थैनोस ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से लिविंग ट्राइब्यूनल को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कि हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कॉस्मिक एंटिटीज तक को एब्जॉर्ब कर सकता है और इन सब पावर से बढ़कर हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने होस्ट को ना ही ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल कर देती है। तो अब अगर बात करें सोल फायर डार्क साइड के पावर्स की, तो इतने सारे न्यू गॉड्स के सोल्स एब्जॉर्ब करने से डार्क साइड के खुद के पावर्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसे बहुत सारे नए पावर्स भी मिले हैं, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, एंड्योरेंस, एजिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, इनानसेंसेस, रीजनरेशन पावर, टेलीपैथिक पावर्स, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर और लिमिटलेस स्टेमिना। सोल फायर डार्क साइड अपने पावर से इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, हीट जनरेशन कर सकता है और किसी भी एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा डार्क साइड मैटर, एनर्जी, ग्रेविटी, डार्क फोर्स और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही डार्क साइड एस्ट्रल फॉर्म्स को देख सकता है, लोगों के एस्ट्रल फॉर्म्स को ट्रैप कर सकता है और खुद एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकता है। सोल फायर डार्क साइड एनर्जी ब्लास्ट, माइंड ब्लास्ट और हीट ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही सोल फायर डार्क साइड को जिंदा रहने के लिए खाने, पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डार्क साइड का मोस्ट पावरफुल वेपन है डार्क साइड की ओमेगा बीम्स, पर सोल फायर डार्क साइड के पास जो ओमेगा बीम्स हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा इनहांस हो चुकी है कि उनसे किसी भी बींग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही डार्क साइड ने सोर्स के साथ भी फाइट की है और सोर्स के अनलिमिटेड पावर्स को भी फेस किया है। इसके अलावा सोल फायर डार्क साइड सुपरमैन से भी लड़ चुका है और उसे भी नॉकआउट कर चुका है और इन सब पावर से बढ़कर सोल फायर डार्क साइड पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो सोल फायर डार्क साइड और थैनोस विथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये दोनों सुपर विलन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनके ट्रू पावर्स को जज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इन दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं, जैसे दोनों माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, मैटर, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एस्ट्रल फॉर्म्स को ट्रैप कर सकते हैं और दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर हैं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट या थैनोस के साथ है, क्योंकि थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से कॉस्मिक एंटिटीज जैसे इन्फिनिटी, इटर्निटी और द लिविंग ट्राइब्यूनल तक को एब्जॉर्ब कर चुका है, अवेंजर्स को बीट कर चुका है और हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ने थैनोस को एक नया एनर्जी आर्मर भी दिया है जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और थैनोस के पास कई सारे यूनिक पावर्स भी हैं। तो इसलिए मेरा वोट या थैनोस विथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ है, पर आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एंड बी सेफ़।